एक से एक धमाकेदार कॉमेडी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। अरे हमें माफ कर दो भोली, भर दो हमारी झोली। दादाजी आप तो हम मानते हैं अपने मैनहुड का इस्तेमाल रॉबिनहुड बनके किए, लेकिन आप भी तो कभी जवान थे, आपको अपनी जवानी का वास्ता, समझिए ना, माफ कर दीजिए हमें। अरे भोली भोली देखो, हम मानते हैं हमने जो तुम्हारे साथ किया वो रावण ने सीता के साथ और दुर्योधन ने द्रौपदी के साथ किया था, छल, और इस छल का फल हमें मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा फल जिसे लेकर हमें पल पल निर्बल होकर जीना पड़े, हम ऐसी जिंदगी नहीं जी पाएंगे भोली, इसीलिए कह रहे हैं प्लीज आप ही श्राप वापस ले लीजिए। देखो श्राप वापस ले लो वरना हम अपनी जान दे देंगे। ठीक है, मैं भी देखती हूँ तुम्हें कितनी हिम्मत है, मर जाओ। ठीक है, हम जा रहे हैं, जा रहे हैं। रुक जाओ। थैंक यू दादू, इसे माफ कर दीजिए। हाँ नहीं, मेरा श्राप वापस नहीं ले सकता, लेकिन लेकिन क्या? प्यार का खेल खेलते आए अब तक तुम सबके साथ, हाँ? अब प्यार तुम्हारा साथ खेलेगा, जाओ जाकर प्यार की तलाश करो, एक सच्चे प्यार की। जिस दिन तुम्हारा सच्चा प्यार तुम्हारा सामने आएगा उस दिन तुम ठीक हो जाओगे। सच्चा प्यार? और जब तक वो सामने रहेगा तुम ठीक रहोगे, नॉर्मल रहोगे, पर अगर हमेशा के लिए तुम्हें नॉर्मल होना है तो उस लड़की से तुम्हें शादी करनी पड़ेगी, उसकी मर्जी से, उसे मंगल सूत्र डालकर, काम सूत्र डालकर नहीं, साथ फेरे लेने पड़ेंगे, तब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और अगर कभी तुमने उसके साथ भी धोखा किया तो तुम्हारा लिंग हमेशा के लिए सोने का हो जाएगा, फिर तुम न रहोगे पुलिंग, न स्त्रीलिंग, औत्रीलिंग। अबे अघोरी कहीं के, इतनी छोटी सी बात के लिए कोई इतना बड़ा साथ देता है का? सच्चा प्यार अब कहां ढूंढे? सच्चा प्यार स्विट्जरलैंड में? बर्बाद कर दिया हमको। हम तो तुम्हें समझे थे पंछी सारस, लेकिन तुम निकली पत्थर पारस। भोली सच्चा प्यार? लड्डू खोलो, हम हैं। अबे जल्दी खोलो यार, हमारा दिमाग वैसे ही खराब है, हटो अभी। लड्डू तुम्हें भी कोई साफ दे दिया क्या? अबे हो कौन? गुड्डू भैया हम यहाँ हैं, ये जबरदस्ती घर में घुसा है हमको धक्का देके और यहाँ धूम मचा रहा है। तुम घुसने काहे दिए? अरे हम बोले इनको। और तुम काहे तन के खड़े हो बे? हम घर पे नहीं है तो घुसा है, संग्रहालय है क्या हमारा घर? अरे ऊपर से तन के दिखा रहे हो, भाई से जैसी बॉडी बना लिए, लड्डू को डराते हो? काहे मारू हमारी मां का, साले दोबारा दिखे ना तो इतना भी नहीं। तू कहां पे अबे कर रहा है? तो ये गुड्डू है ना? हां हूं, का उघाड़ लेगा? हमारे साथ चल। काहे? अरे चल बताते हैं। आ अबे जाओ। तुम में से गुड्डू कौन है? अबे हम हैं गुड्डू। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। कहाँ? बोटानिकल गार्डन। अबे हो कौन हो तुम लोग? गुड्डू हमारे साथ जाएगा। नहीं हमारे साथ जाएगा, हमारे साथ जाएगा, हमारे साथ जाएगा, हमारे साथ जाएगा। जाओ हमारे साथ जाएगा, हमारे साथ जाएगा। बड़ा डिमांड है यार हमारा। जाना कहाँ है? हो कौन तुम लोग? हमें एंटिक मोशाई ने भेजा है। हमें डॉन मारवाड़ी ने भेजा है। ओ तो हमें लश्कर ए तैयबा ने भेजा है। ये वाला अब बताओ क्या बोलते हो? बोलो नहीं बेटा, खोलो। खोलो क्या? अपनी पैंट। सबको पता चल गया है कलकत्ते में सोने का कुतुब मीनार होगा है, तो सब दर्शन करने आए हैं, तो भागो। भाई साहब ऐसा है, आप लोग नाराज मत होइए, टॉस कर लेते हैं ना, अकड़ बक्कड़ बम्बी बोर असी नबी पूरे 100-100 में निकला धागा, चोर निकल के भाग। Oh,
डॉक्टर साहब है क्या? थोड़ा बिजी, सिट बैठो। हाँ हम यहाँ ही वेट कर लेंगे। बाय द वे कांग्रेचुलेशन सर। किस लिए? गोल्ड का प्राइस कितना बढ़ गया सर, गुड फॉर यू। रुम्मा नल्लर के वो मैं सॉरी। हेलो अखिलेश। हाँ? वो बेगन मुर्गन आया है। मेरा पप्पू बना है, वो उधर है, मैं इधर ढूंढ रहा हूँ उसको। तुम उसको रोक के रखो, मैं भी आता हूँ। ठीक है, शीघ्र मांगा। ओके बॉस, क्या बताऊं, साला हाथ आते आते रह गया। लड़के थोड़ा थक गए हैं, बस दो दो अंडे और एक चाय पी लें। अब बैठ। मैंने तुम्हें चाय पीने के लिए रखा है? अबे एडी के बच्चे, अगर आज गुड्डू की गन मेरे गले में लटकी हुई नहीं मिली ना, तो सालों मैं तुम सब की गन काट दूंगा। चलो बेटा, चलो चलो। हाँ सर, गुड्डू की गन मिला, वो तो भाग गया। अगर वो गन मुझे नहीं मिली ना, तो मैं तुम सबको गन से उड़ा देंगे, समझे? अरे हराम खोरो, चलो। सॉरी, नो प्रॉब्लम। सरिता, सरिता, इन्हें अखिलेश कहाँ हो? अयो, इधर ही तो था, किधर गया? पहले कहता हूँ, रेड कुर्ता ब्लू जीन्स, गुड फैशन सेंस। नमस्ते सर, हम लोग वाबा थिएटर ग्रुप से हैं। नाटक के लिए चंदा चाहिए सर। है? अबे तुम्हारी चंदा मामा रात को निकलेंगे, अभी सूरत से ही काम चलाओ, हटो। बॉस, इसकी गल तो रियल है। क्या बोल रहे हो? जिस दिन तुम्हारा सच्चा प्यार तुम्हारा सामने आएगा, उस दिन तुम ठीक हो जाओगे। प्यार है क्या यही? बस दिमाग खराब कर दिया, लेडीज को डराते हैं। साला सार में लड़का से महसूस नहीं करता अब। गेट आउट। अजी सुनिए, वो सब गुंडा लोग गया और हमारा शराब भी कुआं में जा चुका है। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। अपना शकल तो दिखाइए ना, आपको जान के बड़ी खुशी होगी, आप हमारा सच्चा। सच्चा प्यार इतना भयानक। ये सुनिए तो कितना तेज चलती है आप। एक दो 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 मिनट यहाँ रुक जाइए ना, दो मिनट बस। हाँ, हो गया। ची, अरे रुक, अरे सुनिए ना, अरे सुनिए, अरे रुकिए तो। ये क्या बदतमीजी है? अरे हम हाथ पोछ लिए हैं, साफ है। पर आपका मन साफ नहीं है। देखिए हमारी शादी होने वाली है। ओ, 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 ये सब ठीक नहीं है, जाने दीजिए हमें। शादी? अरे गुड्डू भैया, अरे कहाँ है, कब से ढूंढ रहे हैं, ठीक तो है? वो नॉर्मल हो गया है। हो, डॉक्टर साहब का क्रीम काम कर गया है। नहीं, वो कौन है? वो काल भैरव की पोती है। उस बूढ़े के सांप से भी भयानक सांप है। हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें हम बाद में समझाएंगे, पहले पता करना पड़ेगा वो भूतनी रहती कहाँ है। हाँ बोलो। बॉस, मैंने गुड्डू की गन चेक की, वो तो बिल्कुल नॉर्मल है। छुट्टी? तुम नर्स हो कि मेरी जिंदगी कर्स हो? अब मैं अपने बॉस को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? हाँ, हाँ? कोलकाता के सबसे बड़े डॉन को चूतिया बनाया। भैया हम समझ गए, ये लड़की आपका सच्चा प्यार है, अब सब ठीक हो जाएगा। सच्चा प्यार हमेशा इतना ही कड़वा होता है क्या लड्डू? अरे भैया डोंट बी पेसिमिस्टिक, आइए।
नमस्ते बाबूजी। अरे बेटी कहाँ थी तू? मैं अदिति के घर गई थी। बेटी अगले हफ्ते तेरी शादी होने वाली है, इतनी देर तक बाहर रहना ठीक नहीं है। जाओ जाओ जा, अंदर जा। जी बाबूजी। जा। अच्छा। भैया इसका शादी होने वाला है? अरे हम जानते हैं, कमाल है, हमारी चार सुंदर और सुशील बहनें अभी भी कुंवारी बैठी है और यहाँ इसका भी शादी हो रहा है। साले मतलबी, अब हम क्या करें? आप क्या करेंगे, जाइए उसके बाप को पटाइए, और कोई चारा नहीं ना है आपके पास, वरना पूरा जिंदगी आपको ये सोना का स्मगलिंग करना पड़ेगा। अरे नहीं रे, तुम उसका शकल नहीं देखेगा। देखे हैं भैया, बहुत अलग है, इट्स डिफरेंट। जाइए। जी नमस्ते बाबूजी। हाँ नमस्ते, हमें आपसे जरा दो मिनट बात करनी है। बाबूजी आज हम जल्दी निकल जाए का? देखो 10 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ, तुम भी क्या याद रखोगे? ठीक है बाबू। क्या चाहिए? जी आपकी बेटी का हाथ चाहिए। हमारा नाम गुड्डू है और हम आपकी बेटी काली से बहुत प्यार करते हैं, और अगर हमें ना मिली ना तो हम अपनी जान दे देंगे। तुम मेरी बेटी काली की ही बात कर रहे हो ना? जी। कब से जानते हो तुम उसको? यही कुछ पिछला 3 घंटा से। और 3 घंटे में तुम्हें उससे प्यार भी हो गया? 3 घंटे बहुत होते हैं। 3 घंटे में राहुल सिमरन से विदेश में मिला, उससे प्यार भी किया, फिर भाई एयर पंजाब आया, उसकी शादी तोड़ी, बाबूजी से लड़ा और भाई रेलवे दुल्हनिया ले भी गया। टिंग 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 टिंग। और हम तो केवल बाप तक ही पहुंचे। ऐसी क्या खास बात देखी मेरी बेटी में? अब यही तो हम भी जानना चाहते हैं। क्या सोचने लग गए? सोच रहे नहीं बाबूजी, उका हुआ ना, कल रात को स्वयं काली माता हमारे सपने में प्रकट हुई और हमसे बोली कि बेटा गुड्डू, आज के दिन जो हमारे नाम की पहली लड़की तुमसे टकराएगी ना, वो ही तुम्हारा सच्चा प्यार है। और हमारी किस्मत देखिए, पर्वतों से आज में टकरा गया और आपकी बेटी काली हमें मिल गई। तुम्हें पता है अगले हफ्ते मेरी बेटी की शादी होने वाली है? जी हाँ, इसीलिए तो हम ऐन वक्त पे आ गए ना। लगता है कुछ और ही चक्कर है इस लड़के का। अरे क्या सोच रहे हैं बाबूजी, पूरे कलकत्ते में दिया लेके भी ढूंढेंगे ना तो हम जैसा लड़का नहीं मिलेगा आपको। अरे नहीं नहीं, कुछ सोच नहीं रहे हैं। वो क्या है, तुम्हारा ये हिम्मत देखकर मुझे अपनी जवानी के दिन की याद आ गई। बेटा एक हफ्ते के अंदर 10 लाख रुपयों का इंतजाम कर लो तो मेरी बेटी काली तुम्हारी हो गई। 10 लाख? क्यों नहीं है? तो 10 बस। हाँ हाँ। अरे 10 लाख तो हम यूँ चुटकी बजा के जमा कर लेंगे, तो 10 लाख दे दिए तो हमारी शादी पक्की। हाँ डील। पैसे मिलने के बाद हाथ मिलाएं तो ज्यादा बेहतर होगा।